हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और वो टॉपिक क्या है? वो टॉपिक है महाराष्ट्र में लालना भाई योजना। अब प्रश्न किस तरह से यहाँ पर फ्रेम हो सकता है कि किस राज्य ने हाल ही में लालना भाई योजना प्रारंभ की है, तो उसका हमारा उत्तर क्या होगा? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में अभी हाल में ही लालना बहना योजना भी प्रारंभ की गई थी। मैं हूं विवेक सक्सेना और आप देख रहे हैं साहित्य भवन का यूट्यूब चैनल। यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें। इसकी घोषणा कब की गई इस योजना की? 17 जुलाई 2024 को। यह योजना किसके लिए है? तो यह योजना पुरुषों के लिए है। नौकरी प्रशिक्षण और भत्ता योजना है यह एक प्रकार की। 12वीं उत्तीर्ण करने के पश्चात जो युवा नौकरी खोज रहे हैं उन युवाओं को प्रतिमाह 6,000 रुपये का भत्ता दिया जाएगा। ये आप इसमें क्या एक बात क्लियर है कि जो 12वीं उत्तीर्ण कर चुके हैं उन युवाओं को 6,000 रुपये महीने दिए जाएंगे। अब डिप्लोमा धारकों को, जो युवा डिप्लोमा कर चुके हैं उन्हें 8,000 रुपये प्रतिमाह का भत्ता दिया जाएगा। इसी प्रकार स्नातक डिग्री वालों को ₹10,000 का प्रतिभा का भत्ता दिया जाएगा। अब प्रश्न यहाँ किस तरह से फ्रेम किया जा सकता है कि मुख्यमंत्री, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लाडला भाई योजना की घोषणा की है? तो हम क्या कहेंगे? महाराष्ट्र। अब लाडला भाई योजना में 12वीं उत्तीर्ण करने वाले छात्रों को कितने रुपए मिलेंगे? तो लाडला भाई योजना में 12वीं उत्तीर्ण करने वाले छात्रों को 6,000 रुपये महीने मिलेंगे। डिप्लोमा धारकों को लालडा भाई योजना के अंतर्गत कितने रुपए मिलेंगे? तो वहाँ हमारा उत्तर क्या होगा? 8,000 रुपये। इसी तरह स्नातक डिग्री प्राप्त युवकों को कितने रुपए का भत्ता लालडा भाई योजना के अंतर्गत दिया जाएगा? तो वहाँ हमारा उत्तर होगा 10,000 रुपये। अब हमें यह भी मालूम होना चाहिए कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं और महाराष्ट्र के राज्यपाल अर्थात गवर्नर कौन है? तो वो रमेश वैस है। एक जीके एक्सपर्ट होने के नाते मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप प्रतियोगिता साहित्य की करंट अफेयर्स हिंदी मासिक पत्रिका का अध्ययन अवश्य करें। धन्यवाद।